अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। पाकिस्तान में जब स्पोर्ट्स की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है क्रिकेट का, फिर हॉकी, फुटबॉल, स्क्वाश और फिर टेनिस। लेकिन बॉलिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसको हुकूमत की तरफ से पजीराई हासिल नहीं है, ना ही स्पॉन्सर्स इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन 144 कंट्रीज में ये गेम खेला जाता है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बॉलिंग के हवाले से और देखेंगे कि किस तरह पाकिस्तान में इस गेम को पॉपुलर किया जा सकता है। बॉलिंग के लिए हमने एक पैकेज तैयार किया है, आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। एनपिन बॉलिंग का शुमार दुनिया के मशहूर तरीन खेलों में होता है। बॉलिंग इंडोर खेल है और इसमें हर उम्र के अफराद हिस्सा ले सकते हैं। बॉलिंग को 1980 में पाकिस्तान में मुतारिफ कराया गया और इसके बाद से इस खेल की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टेन पिन बॉलिंग तफरी फराम करने के साथ साथ जहनी दबाव को कम करने का बायस भी बनता है। बॉलिंग में वजनी गेंद को ट्रैक पर इस तरह फेंका जाता है कि इस पर तिकोने अंदाज से सजाई गई 10 पिंस में से तमाम या ज्यादा से ज्यादा गिर जाएं। जितने ज्यादा पिंस गिरेंगे खिलाड़ी को इतने ही पॉइंट्स मिलेंगे। खिलाड़ी को 10 पिंस गिराने के लिए 2 शॉट्स मिलते हैं। अगर वो पहले ही शॉट में तमाम पिंस गिरा दे तो दूसरा शॉट नहीं मिलेगा। 10 पिंस का मुकाबला 10 फ्रेम पर मुश्तमिल होता है। 10 फ्रेम मुकम्मल होने के बाद जिस खिलाड़ी के ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो कामयाब हो जाता है। पाकिस्तान टेन पिंस बॉलिंग एसोसिएशन मुल्क में इस खेल के फरोग के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जोही के सबब इस खेल में भी आलमी मयार के खिलाड़ी पैदा करना मुश्किल नजर आ रहा है। नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया, पाकिस्तान में बॉलिंग के फरोग के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, कितनी तेजी से ये खेल मकबूल हो रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस बॉलिंग एलिमी हमें ज्वाइन किया है, सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूंगा पाकिस्तान टेन पिन बॉलिंग एसोसिएशन के नायब सदर अलीम आगा साहब, इनके साथ तशरीफ रखते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी रुमैस अली साहब, और इनके साथ साथ तशरीफ रखते हैं सिंध गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट ख्वाजा अहमद साहब। थैंक यू अलीम आगा साहब, आपसे शुरू करता हूं। आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और आप सेकंड सीडेड प्लेयर भी हैं, तो आप तो इस गेम को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं खुद। ये बताइए कि कब पाकिस्तान में इस गेम की मकबूलियत शुरू हुई, आगाज़ कैसे हुआ और कैसे पॉपुलर हुआ? देखिए जी, पाकिस्तान में ये गेम तो एज एन एंटरटेनमेंट शुरू हुआ था बहुत पहले, प्लेलैंड के अंदर जब लोग ऐसे ही जाके खेलते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 1970s में, 70s के बाद फिर 80s पे जब आए, उसके बाद इसका कोई नोबडी न्यू कि ये गेम कहाँ पे हो रहा है। मगर एक्चुअल स्टार्ट जो ये गेम ने पिकअप किया है वो 1998 में जो पहला सेंटर आपका इस्लामाबाद में लगा था, और उसके बाद 2000 में दूसरा सेंटर लगा 12 लेन का, फिर तीसरा सेंटर लगा 12 लेन का। तो एक्चुअली आई वुड से कि द गेम ऑफ बॉलिंग स्टार्टेड इन द ईयर 1998। रमेश, इस बारे में बात करते हैं। रमेश, ये बताइए कि इसके फरोग के लिए क्या किया जा रहा है? जैसे अभी अलीम साहब ने ये बात हमें एक्सप्लेन की है कि इसको मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इसको एक्टिविटी लिया जाता है, एंटरटेनमेंट लिया जाता है। हम भी खेलते रहे हैं, मुझे रूल्स का भी नहीं पता लेकिन मैं बहुत शौक से खेलता हूँ बॉलिंग, क्योंकि फन है, पास टाइम है। इसको कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बनाने के लिए क्या इकदाम है? बेसिकली जो सबसे मैंने फेडरेशन ज्वाइन किया हुआ तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया यहाँ पे, तो जो सबसे पहले हमने आके यहाँ पे देखा कि रूल्स रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा लैकिंग थी, लोग खेलते थे ऐसा, और पाकिस्तान में ये गेम ऐसा इंटरटेनमेंट स्पोर्ट के तौर पे रिकग्नाइज होता था। तो सबसे पहले काम आके हमने स्टार्ट किया यहाँ पे तकरीबन 2009-2010 के अंदर, वो ये था कि इस गेम को हमने रिकग्नाइज कराया एज अ स्पोर्ट, रिकग्नाइज कराया, और हमने फर्स्ट टाइम इस गेम को इंक्लूड कराया सिंध गेम्स के अंदर, और आउट ऑफ 54 गेम्स हमारे गेम को जो है ना बेस्ट इवेंट ऑफ द सिंध गेम्स का अवार्ड दिया गया उसके अंदर, फिर 14 सिंध गेम्स के अंदर हुआ। फिर हमने एक और जो चीज़ यहाँ पे इनिशिएट की वो थी रैंकिंग सिस्टम। फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हमने बॉलिंग के अंदर जो है रैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, ताकि प्लेयर्स को पता हो कि उनकी स्टैंडिंग कहाँ है, वो खेल कहाँ से रहे हैं, थोड़े से इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के साथ वो अपने आप को कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर जाके खेल सकें। क्योंकि फेडरेशन के पास और एसोसिएशन के पास बहुत ज़्यादा जो लैक है वो हमारे पास रिसोर्सेज की लैक्स है, हमारे पास सेंटर्स अपने पास नहीं है, जितना भी सेंटर्स हैं ये कमर्शियल सेक्टर के अंदर हैं, तो उस रेफरेंस में हमें थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पे जो है। ख्वाजा साहब जो हैं वो बड़ी गौर से सुन रहे हैं और अब उनको भी डिस्कशन में शामिल करेंगे। आप सिंध गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, मुझे ये बताइए पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्रिकेट से हटता ही नहीं है कोई प्लेयर, किसी और स्पोर्ट की तरफ सोचता ही नहीं है, क्योंकि ग्लैमर भी वहाँ है, पैसा भी वहाँ है, फेम भी वहाँ है, फिर उसके बाद बाकी गेम्स आ जाते हैं जैसे कि फुटबॉल, हॉकी, लेकिन आपने क्या सोचा कि मैं बॉलिंग करूँगा और मैं बॉलिंग में ही जो है उसे एज अ स्पोर्ट लूँगा? देखिए जी, सबसे पहले वैसे अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स तो मैं काफ़ी अच्छे से खेलता हुआ आ रहा हूँ,
बॉलिंग एज आप कह सकते हैं कि स्टार्ट जब मैंने किया तो एज एन एंटरटेनमेंट स्टार्ट किया था इसको मैंने, और अब करते करते एज अ प्रोफेशनल लाइन की तरफ मैं चला गया हूँ इसकी बॉलिंग के अंदर। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर करूँ कि जो प्लेयर्स होते हैं आपके, वो एज हम लोग हैं, तो प्लेयर्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये गेम जो है बहुत एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल क्रिकेट। आप ले लें, फुटबॉल ले लें, 11 प्लेयर्स आर रनिंग टूवर्ड्स वन बॉल। अब इसके अंदर ये है कि इक्विपमेंट्स हैं आपके, इनकी एसेसरीज हैं, ये इतनी एक्सपेंसिव है कि इसको हर बंदा नहीं खेलता। बिल्कुल सही, होल्ड दैट थॉट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आप दोनों की भी राय चाहूंगा। यहाँ लेते हैं एक कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आज का स्पेशल प्रोग्राम बॉलिंग के हवाले से, इसमें हम बॉलिंग के बारे में और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।